ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पीलिया के इलाज के दवाइयों के बारे में। पीलिया का इलाज कैसे किया जाता है, किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पीलिया क्या होता है, एक्चुअल में हम पीलिया किससे कहते हैं। तो देखिए, मैंने इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख रखा है, हिंदी में भी डिफिनेशन लिख रखा है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो होपफुली किसी भी मीडियम वाले को परेशानी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। बाकी फ्रेंड्स, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो पीलिया एक ऐसी कंडीशन होता है जिसमें त्वचा, आँख, म्यूकस मेम्ब्रेन पीला हो जाता है, उससे ही हम लोग पीलिया कहते हैं। बाकी फ्रेंड्स सब बात करते हैं कि ये हमारा स्किन जो है वो पीला ही क्यों पड़ जाता है, क्यों हमारा स्किन जो है वो पीला हो जाता है। तो ब्लोरबिन की मात्रा बढ़ने के कारण पीला रंग हो जाता है, समझ रहे हैं आप। ब्लोरबिन की मात्रा हमारे स्किन में बढ़ जाती है जिस वजह से हमारा स्किन जो है वो पीला हो जाता है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि ब्लोरबिन की मात्रा हमारे स्किन में क्यों बढ़ती है, तो RBC के ब्रेक डाउन होने की वजह से, RBC की टूटने की वजह से ब्लोरबिन जो है वो हमारे स्किन में फॉर्म्ड होती है, जिस कारण हमारे स्किन का कलर जो है वो येलो यानी कि पीला पड़ जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं लक्षण के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स जो है वो पीलिया के कॉमनली देखे जाते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे देखा जाता है वो स्किन की कलर देखी जाती है, मतलब कि इसकी लक्षण हमारा हो गया यानी कि स्किन का कलर चेंज हो जाना। देखिए, हेल्दी स्किन का कलर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, पर जो जॉन्डिस वाली स्किन की कलर होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें स्किन का कलर जो है वो पीला पड़ जाता है, आंखों का कलर पीला पड़ जाता है। तो सबसे पहला लक्षण तो हमारा ये हो गया। देन फिर और भी इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि फीवर, बुखार लगना, चिल्स, ठंड लगना, वीकनेस, कमजोरी या थकान महसूस होना, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होना, चेंज इन स्किन कलर, त्वचा का कलर चेंज हो जाना जो कि पीले कलर में बदल जाती है, फिर आता है डार्क कलर्ड यूरिन, पेशाब का काला पड़ जाना। तो ये इसके कुछ कॉमन लक्षण जो है वो देखे जाते हैं। और फ्रेंड्स जानते हैं कारण के बारे में, किन कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति को जो है वो जॉन्डिस हो जाती है। तो सबसे पहला आता है ड्रग टॉक्सिसिटी, वायरस इन्फेक्शन, RBC डिस्ट्रॉयड यानी कि RBC के टूटने की वजह से क्लोट अंडर स्किन, स्किन के अंदर क्लोट बन जाना, स्वेलिंग गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में सूजन आने से। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जो है वो किसी भी व्यक्ति को जॉन्डिस यानी कि पीलिया जो हो जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि पीलिया क्या होता है, किन कारणों की वजह से पीलिया होता है, क्या क्या सिम्टम्स जो है वो पीलिया के देखे जाते हैं, ठीक है, और स्किन पीली पड़ जाती है तो एक्चुअल में स्किन क्यों पीली पड़ती है। तो RBC के टूटने की वजह से जो है वो स्किन पे पीलापन यानी कि येलोइश कलर जो है वो आ जाती है। अब फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं टेस्ट के बारे में, कौन कौन सी डायग्नोसिस टेस्ट है जिन्हें कराकर जो है वो हम पीलिया का पता लगाते हैं। तो सबसे पहला आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहली जो चेक की जाती है ना, डॉक्टर जो यहाँ पे देखते हैं वो स्किन का कलर देखते हैं। देखिए, हेल्दी स्किन का कलर कुछ इस प्रकार से होता है और जॉन्डिस के स्किन का कलर कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि येलोइश टाइप की कलर जो है वो स्किन पे आ जाती है, त्वचा पीली पड़ जाती है, आंखों का पीला पड़ जाना जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स डॉक्टर जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का देखते हैं। बाकी फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो है वो यूरिन टेस्ट है, मैंने आपको ऊपर ही बताया। यूरिन टेस्ट में क्या होता है ना, स्पेशली यहाँ पे यूरिन का काला पड़ जाना एवं यूरिन टेस्ट की मदद से जो है वो पीलिया का पता लगाया जाता है। अगला टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC टेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, CBC टेस्ट की मदद से जो है वो पीलिया का पता काफ़ी आसान तरीके से लगाया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट है, जैसा कि आप होम स्क्रीन पे देख सकते हो। लीवर फंक्शन टेस्ट की मदद से पीलिया का पता जो है वो काफ़ी आसान तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। जी हाँ, लीवर फंक्शन टेस्ट करा के जो है वो जॉन्डिस का पता लगाया जाता है। बाकी फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले दवाइयों के बारे में, किन दवाइयों का इस्तेमाल करके पीलिया यानी कि
जॉन्डिस का इलाज जो है वो किया जाता है, तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी मल्टीविटामिन कैप्सूल है। देखिए मैंने आपको वहाँ लक्षण में बताया कि आपको जो है ना वो कमजोरी थकान महसूस हो सकता है पीलिया के कंडीशन में, तो उस टाइम पे जो है वो हम मल्टीविटामिन कैप्सूल पेशेंट को देते हैं। बाकी ये न्यूरोकाइंड गोल्ड नाम से आती है और इसमें मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स जो है वो पाया जाता है। वहीं पर इसका यूज़ फॉर वीकनेस कॉमा फैटिक यानी कि कमजोरी व थकान को दूर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और इसका डोज 1 कैप्सूल ओडी, ओडी कहने का मतलब एक दिन में एक बार आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद जो है वो एक टैबलेट का इस्तेमाल आपको एक दिन में एक बार करना है। दोस्तों नेक्स्ट दवाई हमारी कोलिस्ट्राबाइन सस्पेंशन है, जैसा कि आप होम स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस पे जो है वो यूएसपी लिखा हुआ है। यूएसपी का मतलब क्या होता है, तो ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी इसका यूज़ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखने में किया जाता है। वहीं पर इसके डोज के बारे में बात करें तो ओडी है, ओडी बीडी, ओडी कहने का मतलब एक दिन में एक बार और बीडी कहने का मतलब दिन में दो बार, यानी कि इस सस्पेंशन का इस्तेमाल जो है वो आप एक दिन में एक से लेकर दो बार कर सकते हैं। वहीं पर ये पाउडर फॉर्म में आती है तो इसे सॉल्यूशन बना के जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। दोस्तों अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहीं पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए। नेक्स्ट दवाई हमारी हेपामर्ज टैबलेट है, फिर आता है फ्लाइजिल 400 टैबलेट और इसमें मेट्रोनाइडाजोल पाया जाता है। वहीं पर आप देख सकते हैं पैकेजिंग पे आईपी मेंशन है, यानी कि ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। दोस्तों ये दोनों दवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा असरदार मानी जाती है एवं काफ़ी ज़्यादा बिकती है जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी लीफ 52 डी एस सीरप है और ये नेचुरल फॉर्मूला पे बना हुआ मेडिसिन है। वहीं पे इस मेडिसिन की कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो नहीं देखी जाती क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हिमालय कंपनी की आती है, जिसका डोज 5 ml बीडी आफ्टर मील, बीडी कहने का मतलब दिन में दो बार खाना खाने के बाद जो है वो इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आईवी इन्फ्यूज़न मेडिसिन है। देखिए हेपामर्ज मैंने ऊपर आपको टैबलेट भी बताया पर हेपामर्ज की इंजेक्शन भी आती है। फिर हमारा आ गया यहाँ पे डेक्सट्रोज इंजेक्शन, तो इन दो इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है वो बेसिकली इसमें मतलब कि जॉन्डिस के इलाज में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी मानी जाती। तो दोस्तों जॉन्डिस के इलाज में इन्हीं सभी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। यकीन मानिए ये सभी दवाइयाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा असरदार है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो इन दवाइयों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा बिकती भी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। उसी के साथ साथ इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का यूज खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।